अगर उनके पक्ष में कोई है तो उसे गठबंधन करे, बनावटी बात क्या, चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं आरजेडी वाले के चक्कर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूँ आपके साथ शिवम। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र का आज तीसरा दिन था, ऐसे में आपको बता दें कि लगातार विपक्ष के विधायकों के द्वारा अग्निपथ योजना को लेकर विरोध और प्रदर्शन किया जा रहा है और यह मांग की जा रही है कि बिहार विधानसभा में अग्निपथ योजना को लेकर चर्चा हो और बिहार सरकार एक प्रस्ताव जारी करे जो कि केंद्र सरकार को भेजे। ऐसे में आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी साफ साफ कह दिया है कि वो सदन का बहिष्कार करेंगे। आज आपको बता दें कि जब सदन की कार्रवाई की शुरुआत हुई सेकंड हाफ के वक्त, उस वक्त भी तमाम विपक्ष के विधायक सदन के अंदर नहीं गए। साथ ही साथ आपको हम यह भी बता दें कि जेडीयू के विधायक भी सदन की कार्रवाई के दौरान नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद बिहार की राजनीति में यह चर्चाएं फिर से शुरू हो गई है कि क्या बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। ऐसे में आपको बता दें कि जब हमने बीजेपी के विधायक पवन जायसवाल से बात की तो उन्होंने यह तक कह दिया कि राजद और जेडीयू मिलकर सरकार क्यों नहीं बना लेती है। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के विधायक पवन जायसवाल, पहले आप वो सुने। ये तो जदयू वाले लोग से पूछिए कि क्या जदयू ने आपको कहा है ये बात कि हम आरजेडी के साथ हैं। जब जदयू इस बात को कहने को तैयार ही नहीं है तो ये बात आप लोग अपने मन से कहां से ला रहे हैं कि भाई ऐसा कोई एकाएक गायब नहीं हुआ है। शीला मंडल जी अंदर थे, सुनील जी अंदर थे, राजकुमार जी अंदर थे, सभी माननीय अंदर थे और बाकी लॉबी में थे, ऐसी कोई बात नहीं है। सदन चल रहा था उसी दौरान उन लोगों को फोन आया और वो फिर वहां से भी निकले। आप एक किसी जदयू के माननीय विधायक का बयान बताइए कि जिसने कहा हो कि हम लोगों ने बायकॉट किया है, ऐसा कोई बयान है क्या? जब ऐसा बयान नहीं है तो आप ये मान लीजिए कि जदयू भाजपा में कहीं कोई बात नहीं है और इस चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं आरजेडी वाले के चक्कर में। भाई दिन जब बायकॉट करने का मतलब क्या है, कोई स्वीकार करेगा? जब कोई स्वीकार नहीं करेगा तो हम लोग इस बात को कैसे कह सकते हैं, संभव है ही नहीं ऐसा। आरजेडी विधायक मुकेश ने धन्यवाद दिया है नीतीश कुमार को। अरे मुकेश जी को कोई काम है, हवाई जहाज लेके आ रहे हैं विधानसभा में, बोल रहे हैं कि धन्यवाद दे रहे हैं। धन्यवाद दे रहे हैं तो जाके गठबंधन कर लें, अगर उनके पक्ष में कोई है तो उसे गठबंधन करे, बनावटी बात क्या। जदयू भाजपा पूर्ण तरह एक है और कहीं कोई बात नहीं है, इसको आप लोग बवंडर नहीं बनाइए। तो आपने साफ तौर पे सुना बीजेपी के विधायक का, जहां एक तरफ यह कहना है कि राजद और जेडीयू मिलकर सरकार क्यों नहीं बना लेती, वहीं दूसरे तरफ उनका यह भी कहना है कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है। पर ऐसा जिस तरह से बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, तीन दिन तक लगातार विपक्ष के विधायक अग्निपथ योजना को लेकर विरोध और प्रदर्शन कर रहे हैं और वहीं कल की अगर हम बात करें तो आने वाले कल भी तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि सभी विपक्ष के विधायक जो हैं वो सदन का बहिष्कार करेंगे और कर्पूरी ठाकुर के मूर्ति के नीचे बैठ के वो धरना प्रदर्शन भी करेंगे। पर इसी बीच जब जेडीयू के विधायक सदन की कार्रवाई में नहीं पहुँचते हैं तो इसके बाद यह चर्चाएं तेज हो जाती हैं। तो ऐसे में बीजेपी के विधायक ने तो कह दिया है कि जेडीयू और राजद मिलकर सरकार क्यों नहीं बना लेती, वहीं उनका यह भी कहना है कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से आज सेकंड हाफ के बाद सदन की कार्रवाई की शुरुआत हुई, उस वक्त जेडीयू के विधायक नहीं पहुंचे सदन के अंदर, तो ऐसे में क्या कल जब बिहार विधानसभा की कार्रवाई शुरुआत होती है तो बिहार की राजनीति में क्या कुछ नया देखने को मिलता है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।